आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार के उसे लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक अपडेट कराने वाले लोगों के लिए आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही भारतीय गेमर्स के लिए कुछ खबरें, भारत में लॉन्च हुआ है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम, अब प्ले स्टोर पर सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है उपलब्ध, iOS यूजर्स को फिलहाल इसके लिए करना होगा इंतजार। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहां पर व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही जल्द बढ़ने वाले हैं इस कंपनी के मोबाइल टैरिफ, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहां पर 15,000 से कम सैलरी वाले लोगों को सरकार ने दी है राहत, इस योजना में रजिस्ट्रेशन की सरकार ने बढ़ाई है तारीख, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पबजी लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत में लॉन्च हुआ है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम सभी के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। इस गेम को भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। क्रोटोन ने शुक्रवार को पबजी मोबाइल के भारतीय वर्जन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को रिलीज कर दिया है, यानी इस गेम को एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। इस गेम को 2 जुलाई सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया है। वही क्रोटोन कंपनी का कहना है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम की थर्ड पार्टी ऐप यानी APK फाइल की मदद से डाउनलोड करने की अब इसको जरूरत नहीं है, या अभी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वही iOS यूजर्स को फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। वही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को डाउनलोड करने के लिए आपका जो फोन है वो एंड्रॉइड 5.1 से ऊपर का होना चाहिए। इसके अलावा फोन में कम से कम 2GB रैम होना चाहिए। वही क्रोटोन ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को रिलीज के जश्न मनाने के लिए कई तरीके यहाँ पर लॉन्च इवेंट और रिवॉर्ड्स की घोषणा यहाँ पर की है। बात करते हैं अगली खबर की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और जिम। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार 5 जुलाई से यूपी में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और जिम स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का फैसला किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरत और समस्याओं पर सहानुभूति से विचार करने को कहा है। वही CM ने कहा है कि कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है। वही कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोविड महामारी की नियंत्रण मतलब इसको नियंत्रण करने की स्थिति की दृष्टिगत होकर सोमवार 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जिम स्पोर्ट और स्टेडियम को यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो डिजिटल पेमेंट में हुआ इजाफा, UPI ने बनाया है नया रिकॉर्ड, जून में सबसे ज्यादा 5,47,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है लेन देन। कोरोना काल के दौरान डिजिटल पेमेंट में काफी इजाफा हुआ है, ऐसे में भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिजिटल भुगतान मोड UPI ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके जरिए जून महीने में करीब 5,47,393 करोड़ रुपए का लेन देन यहाँ पर हुआ है, जो कि अभी तक का सबसे ऊंचा स्कोर है, उच्चतम स्कोर है। इस बात की जानकारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर दी गई है। वही NPCI के आंकड़ों के अनुसार UPI के जरिए लेन देन का मूल्य और दोनों शर्तों में 10% से 11% का उछाल इसमें देखने को मिला है। इससे पहले मई महीने में UPI का जो लेन देन है वो 2.53 मिलियन का लेन देन देखा गया है, जो मार्च 2021 के 2.73 मिलियन से कम था। वही मूल्य के लिहाज से मई के लिए UPI के लेन देन यहाँ पर जो टोटल था वो यहाँ पर 4,93,000 करोड़ रुपए रहा था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी खबर सामने, अमेरिका की फार्मा कंपनी का दावा, सिंगल डोज वाला टीका ही डेल्टा समेत हर वेरिएंट पर है सरदार। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने COVID-19 के डेल्टा वेरिएंट को लेकर दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उनकी तरफ से बनाई गई कोरोना वैक्सीन सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए असरदार है। इसे लेकर एक स्टडी भी यहाँ पर की गई है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया भर के लोगों की जान बचाने में मददगार है। वही कंपनी का दावा है कि जिन लोगों को सिंगल डोज भी लगी हुई है उन लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने में वैक्सीन यहाँ पर मदद करेगी, यानी 85% ये मतलब पूरी हो गई है। वही वैक्सीन लगवाने वाले 8 लोगों के ब्लड सैंपल यहाँ पर लिए गए, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि ये वैक्सीन डेल्टा समेत सभी तरह के वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी असरदार साबित होगी। वही कंपनी के चीफ ने कहा है कि आज जिस स्टडी का यहाँ ऐलान हुआ है उसके मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया भर के लोगों की जान बचाने में मददगार है। कंपनी का ये भी कहना है कि पहले डोज 29 दिन के अंदर डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर देती है। दक्षिण अफ्रीका ब्राज़ील समेत यहाँ पर स्तर पर वैक्सीन का असर एक जैसा यहाँ पर देखने को मिला है। वही जिस समय स्टडी चल रही थी उस समय इन क्षेत्रों में बीटा और जेटा जैसे वेरिएंट के मामले अधिक पाए गए थे। वही कंपनी
के एक अधिकारी ने कहा है कि हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत खुश हूँ कि इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बूस्टर डोज पर कोई जरूरत नहीं है। इस सभी वेरिएंट के लिए कोरोना की जो जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन है वो सब वेरिएंट पर अच्छा काम कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप में वीडियो भेजना हुआ है, और भी मजेदार कंपनी लेकर आ रही है जबरदस्त फीचर। यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें सबसे लेटेस्ट फीचर वीडियो क्वालिटी का है। यानी अब आप किसी भी यूजर्स को वीडियो सेंड करने से पहले उसकी क्वालिटी चुन सकते हैं, कौन सा वीडियो को हाई क्वालिटी में भेजना है, कौन को वीडियो को आप यहाँ पर लो क्वालिटी में कैसे भी आप मतलब यूजर्स को भेज सकेंगे। वर्तमान में जो हाई क्वालिटी वीडियो आप भेजते हैं वो डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, जो एक कंप्लेंट हो जाता है। लेकिन अब इस दिक्कत को व्हाट्सएप को फिक्स करने जा रहा है। यानी अब आप अगर हाई क्वालिटी का वीडियो आपने बनाया है तो उसे उसी क्वालिटी में अगर शेयर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। इस फीचर का खुलासा सबसे पहले एंड्रॉयड बीटा बिल्ड ने किया है। वही वीए बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप यूजर्स को किसी भी यहाँ पर कंटेंट को वीडियो भेजने के लिए तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन ऑटो मोड का रहेगा, जिसमें व्हाट्सएप खुद ब खुद वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर डिसाइड कर देगा। वह दूसरा ऑप्शन में यूजर्स खुद से बेस्ट क्वालिटी को पिक कर सकेगा, जैसे कि नाम से पता चलता है ये व्हाट्सएप यूजर्स के लिए चुने गए बेस्ट क्वालिटी वीडियो को भेजेगा। यानी अगर आप अपनी हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को शूट किया है और वीडियो को उसी क्वालिटी में आगे भेजेंगे तो तीसरा ऑप्शन डेटा सीवर है। इसमें वीडियो भेजने से पहले व्हाट्सएप वीडियो को यहाँ पर कंप्रेस करेगा। व्हाट्सएप फीचर ट्रैक ने यहाँ पर खुलासा किया है कि फीचर पहले ही डेवलपमेंट में है, ये फीचर अपडेट में यूजर्स को जल्द ही मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल का बड़ा ऐलान, मोबाइल सर्विसेज ब्रॉडबैंड और डीटीएच के लिए होगा सिंगल प्लान। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने शुक्रवार को ग्राहकों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एयरटेल ने फाइबर नेटवर्क और डीटीएच और पोस्टपेड के लिए ऑल इन वन प्लान पेश किया है। इस एयरटेल ने इस प्लान का नाम एयरटेल ब्लैक दिया है। इसमें चार तरह के प्लान लॉन्च किए गए कंपनी की ओर से, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी गई है। वही एयरटेल अब ऑफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर यहाँ पर दे रहा है। कंपनी का कहना है कि नए एयरटेल ब्लैक के साथ एक डेडिकेट टीम काम करेगी, जिसको बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए हर तरह की दिक्कतों को चुटकी में सुलझाया जाएगा। टीम को जो रिस्पॉन्स टाइम हो वो 60 सेकंड का होगा। इसके अलावा यूजर्स की दिक्कतों का तुरंत समाधान भी होगा। वही एयरटेल के डायरेक्टर सुनील तरदार ने बताया है कि ग्राहकों को अपनी पसंद से प्लान सेट कर सकेंगे। पहले 30 दिन तक डीटीएच सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। मौजूदा ग्राहक भी नए प्लान का फायदा उठा सकते हैं। एयरटेल ब्लैक जो प्लान है उसमें चार प्लान पेश किए हैं। सबसे कम कीमत वाला 998 रुपये से शुरू होगा। भारतीय एयरटेल के CMO सवेद कुमार शर्मा ने कहा कि एयरटेल ग्राहकों को पहले इंडस्ट्री सॉल्यूशन ब्लैक यहाँ पर पेश कर रहा है। इस प्लान फॉर ऑल प्लान के नाम से दिया गया, यूजर्स एक साथ सारे प्लान का एक्सपीरियंस इसमें ले सकते हैं। वह एयरटेल ने अपने सभी जो चार प्लान उसको लाइव कर दिया है, जिसमें रेंज में 998 रुपये से लगाकर 2999 के बीच है। बंडल में एयरटेल डीटीएच मोबाइल और फाइबर और मोबाइल ऑल इन वन प्लान इसमें शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक में एफडी कराने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, फिक्स डिपॉजिट का है प्लान तो जरूर जान लें ये बात। बैंक एफडी आज के समय में सभी निवेशकों के लिए निवेश करने का एक बेहतरीन विकल्प है। भाई कोरोना काल में सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट का नाम आता है। अगर आप भी एफडी कराने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। आज हम आपको एफडी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे। आपको बता दें कि PSU बैंक एफडी में सबसे कम ब्याज 5% है। इसके बाद ये निवेशकों का सबसे पसंदीदा ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि रिस्क फ्री फॉर इन्वेस्टमेंट है। वही बैंक एफडी के जरिए निवेशकों को ब्याज के साथ टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है, जिस वजह से ये निवेश का अच्छा यहाँ पर विकल्प माना जाता है। वही DCB बैंक के रिटेल बैंकिंग के हेड के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट के बिना किसी मेडिकल चेकअप को यहाँ पर के फ्री जीवन बीमा के साथ आता है, जिसमें कवर एफडी राशि के बराबर होता है। वही एफडी में निवेश के कुछ फायदे हम आपको बताते हैं। फिक्स डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है। इसमें जमा किए गए मूलधन पर कोई जोखिम नहीं होता है, साथ में आपको एक तय अवधि में रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। इसमें निवेश किया गया मूलधन इसलिए सुरक्षित रहता है क्योंकि एफडी पर बाजार में उतार चढ़ाव का कोई सीधा असर इस पर नहीं पड़ता। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, पेटीएम देगी 50 करोड़ रुपए का कैशबैक। डिजिटल पेमेंट फर्म पेटीएम ने अपने IPO लाने के पहले एक बड़ा यहां पर ऐलान किया है। कंपनी ने अपने ऐप के जरिए कारोबारी और ग्राहकों के लिए यहां पर एक बड़ा ऑफर की घोषणा यहां पर की है। कंपनी ने अपने कारोबारी और ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर कैशबैक देने का ऐलान किया। इसके लिए कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का फंड रिजर्व किया है। वह डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर कंपनी ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये तैयारी की है।
इसके लिए कंपनी ने 200 से अधिक जिलों में जमीनी स्तर पर ऑनलाइन गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई है ताकि कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रशिक्षण यहां पर किया जा सके। वही कैशलेस पेमेंट को अपनाने के लिए यहां पर लोगों को तैयार किया जा सके। वही कंपनी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेष अभियान चलाएगी। वही पेटीएम के CEO विशाल शेखर शर्मा ने कहा है कि भारत ने अपने डिजिटल पेमेंट मिशन की अहम मतलब जो डिजिटल पेमेंट मिशन है उसमें अहम प्रगति की है। इसे तकनीकी रूप से सभी मजबूत होते हैं। वही पेटीएम का गारंटीड कैशबैक उनको देना है जो देश के टॉप कारोबारी और उन्हें डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है, इनको ये कैशबैक दिया जाएगा। वही शेखर ने कहा है कि दिवाली से पहले पेटीएम ऐप के जरिए सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले कारोबारियों को कैशबैक के अलावा फ्री में साउंड बॉक्स और यहाँ पर IoT डिवाइस भी मुहैया कराए जाएंगे। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। इसका मकसद भारत को डिजिटली तौर पर मजबूत बनाना है। चलिए बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 46,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 823 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 46,000 से अधिक यहां पर कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि करीब 59,000 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों के दौरान भारत में 46,717 नए केस आए हैं, वहीं 853 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों का जो आंकड़ा है वो भारत में 3,04,58,000 से ज़्यादा हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भारत में 5,00,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में 4,00,000 से अधिक लोगों की यहां पर कोरोना कारण मौत हो चुकी है, यानी 4,03,12 लोगों की अब तक कोरोना कारण मौत हो चुकी है। वहीं भारत में टोटल ठीक हुए लोगों की संख्या 2,95,00,000 के आसपास है। वहीं बात करें वैक्सीनेशन की तो देश भर में अब तक 34 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही बताया जा रहा है कि भारत में दुनिया भर में तीसरा देश ऐसा है जहां 4,00,000 से अधिक मौतें हुई है। भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद 4,00,000 से ज़्यादा कोविड मौतों का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला देश भारत बन गया है। इसके अलावा मेक्सिको एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2,00,000 से ज़्यादा मौतें दर्ज की है। वहीं 10 देशों में से 1,00,000 से ज़्यादा कोविड से संबंधित दिक्कतों के दम तोड़ा है, जिसमें 6,00,000 मौतों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। उसके बाद ब्राज़ील 5,20,000 के आसपास मौतें हुई। वही तीसरे नंबर पर भारत है, यहाँ पर 4,00,000 से अधिक मौतें हुई थी। चौथे नंबर पर मेक्सिको है, यहाँ पर 2,30,000 से अधिक मौत हुई है। वहीं चौथे स्थान पर पेरू है, जहाँ पर 1,90,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। अब बात कर लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचारों की। तो यूपी, राजस्थान, MP समेत देश के कई राज्यों में लू का कहर जारी। 7 जुलाई तक ना करें राहत की उम्मीद। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लू का प्रकोप जारी है। वहीं चिलचिला देने वाली गर्मी ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों तक गर्म हवाएं चलने यानी लू चलने की संभावना जाहिर की है। वहीं देश के इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अभी कुछ और दिन यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में 7 जुलाई तक मानसून की बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं जुलाई के मध्य तक सामान्य से कम बारिश होगी। इससे पहले 2012 में मानसून दिल्ली में इतनी देरी पहुंचा था। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि 2 दिन बाद अरब सागर से चलने वाली दक्षिणी पछुआ हवाएं पवन के कारण लू की प्रचंडता में थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने के कारण अगले 7 दिनों तक गर्मी से ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद ना करें। दरियाल, उत्तर भारत के कई राज्यों में हीट वेव जारी है। वहीं यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री पार कर जा चुका है, जिस वजह से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव की स्थिति है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लोगों के लिए अगले 2 दिन में यहां पर लू का अलर्ट जारी किया है। वह राजस्थान में लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जहाँ 17 जिलों में तापमान 40 से पार गया है। वही चूरू में पारा 45 डिग्री पार पहुँच गया है। वहीं भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में बिजली की मांग भी यहाँ पर बढ़ गई है। देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड यहाँ पर 4,303 मेगा यूनिट तक पहुंच गई है। पिछले साल जून के मुकाबले इस बार जून में बिजली की खपत करीब 10% बढ़कर 115.39 यूनिट यहां पर हो गई है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक जून 2021 में देश में बिजली की खपत 438.4 करोड़ यूनिट यहां पर MU दर्ज यहां पर की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मानसून राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। इसके बावजूद मानसूनी बारिश न होने की मुख्य वजह 19 जून से अभी तक ऊंचाई पर पछुआ पवने और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का कम दबाव क्षेत्र का न होना है। इसी वजह से यहाँ पर इन राज्यों में फिलहाल ये मानसून अटका हुआ है।